हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। तो हम अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के रिवीजन पर बात कर चुके थे, और जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि भी क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस पे रिवीजन नहीं लगाते हैं तब तक हमारी तैयारी मजबूत होने वाली नहीं है। तो चलिए, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज आप लोगों ने जरूर कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर, यानी किस तरह के क्वेश्चंस क्वारी होते हैं, उन सब की हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो चलिए फटाफट से शुरू कर दें। देखिए, टोटल 2021 क्वेश्चंस हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो आरटीपी में 18 का है, तिरुपति लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग प्रॉफिट, द प्रॉफिट रिफ्लेक्ट एलिजिबल प्रॉफिट अंडर रिलेवेंट सेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट। और ये करोड़ के अंदर अपने को प्रॉफिट देकर रखा है पिछले 12, 13, 14, 15, 16, 17 का। अब ये पूछ रहे हैं कि भी सीएसआर पे कितना पैसा खर्च करना है 17-18 के हिसाब से। तो 17-18 में अगर अपने को देखना है तो अपने को पता है कि भी प्रॉफिट तो हो ही रहा है, 5 करोड़ के प्रॉफिट की हमारी रिक्वायरमेंट है, और यहां पे रिक्वायरमेंट पूरी हो भी रही है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है सीएसआर पे कितना पैसा खर्च करना है। तो लास्ट 3 ईयर, देखिएगा 5 साल से कंफ्यूज करने के लिए दिया है। लास्ट 3 ईयर का मतलब हो गया ये वाला और ये वाला, 14-15 से लगा के 16-17 तक का 30, 70 और 50, तीनों को हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 करके हमने एवरेज निकाल दिया, और आप लोग सब जानते हो 2% के बराबर अपने को खर्च करना होता है। तो सबसे पहले बच्चे लोगों, आंसर लिखते वक्त में ध्यान रखिएगा, अगर सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, बराबर पूरा प्रोविजन ढंग से समझाइए कि भी एवरी कंपनी शेल इंश्योर दैट कितना करना है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। और देन उसके बाद हमने ये देखे, यहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दो इसका सॉल्यूशन करके बता दिया, और फाइनल अमाउंट हमारा निकल करके आया 1 करोड़ का। ये हम लोग ध्यान में रखने वाले, पहला पार्ट खत्म हुआ। फिर इन्होंने पूछा सीएसआर कमेटी में कितने लोग होंगे। अच्छा, लिस्टेड कंपनी ये है तो इसमें तो 3 लोग होने, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज ये कंपनी हमारी लिस्टेड कंपनी है। लेकिन इन्होंने ये भी पूछ लिया अनलिस्टेड कंपनी, जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता है, और प्राइवेट कंपनी में क्या करना है। तो हम लोग जानते हैं ऐसे केसेस में अपने को 2 डायरेक्टर से ही हमारा काम चल जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। तो 2 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट यहां पे रिक्वायर्ड रहेगा, ये ध्यान में रखना है, ये लिख भी देना है, बराबर, बहुत सिंपल सी बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बहुत फटाफट से। अगेन आरटीपी मे 18 का ही क्वेश्चन है। ऑल्डर लिमिटेड हैज ऑन बोर्ड 4 डायरेक्टर्स इस कंपनी के अंदर है, मिस्टर डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इन एडिशन The company has Mr. D. Mr. D इनके अलावा जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, 4 डायरेक्टर हो गए, एक MD हो गया। कंपनी के पास में एक फुल टाइम सेक्रेटरी भी है, कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर वाइस, बढ़िया बात है भाई। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के 31 मार्च 2017 के, उनको करना है ऑथेंटिकेटेड, यानी सेक्शन लगने वाला है हमारा 134, बराबर की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट कौन करेगा, और इसको ऑथेंटिकेट किया है 2 डायरेक्टर ने, एक्स और वाई ने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। तो हमसे पूछा गया भी क्या ये वैलिड है क्या। तो बच्चों सबसे पहले 134 का प्रोविजन समझाइए कि ऑथेंटिकेशन के लिए किस किस के साइन चाहिए। तो सबसे पहला चेयरमैन के साइन चाहिएंगे, अगर बोर्ड ऑथोराइज करे तो। बाय चांस अगर चेयरमैन नहीं है तो 2 डायरेक्टर के साइन चाहिएंगे, लेकिन उनमें से एक MD का होना जरूरी है। साथ में साइन चाहिएंगे CEO के, CFO के और कंपनी सेक्रेटरी के भी, अगर वो अपॉइंटेड, और 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर के साइन सफिशिएंट है। अब इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या हुआ कि 4 में से 2 डायरेक्टर के इन्होंने एक्स और वाई के साइन करवा लिए, जबकि MD अपॉइंटेड था। तो इन 4 में से किसी 1 का, लेकिन 1 साइन डी MD का होना जरूरी था। उसके अलावा चूंकि कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो उसका 1 साइन भी यहां पे होना जरूरी था, जो नहीं है, इसलिए ये वैलिड होने वाला नहीं है। ये देखिए, हमने यहां पे समझा दिया कि भी क्या होना चाहिए, और इन द गिवन केस इन्होंने जो साइन करवाए एक्स और वाई के करवाए 2 डायरेक्टर, लेकिन डी चूंकि MD है और साथ में फुल टाइम सेक्रेटरी है, उनके साइन नहीं करवाए, सो ऑथेंटिकेशन डन बाय 2 डायरेक्टर इज नॉट वैलिड, सीधा सीधा हमारा आंसर है। और सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का पूछा है हमसे कि भाई व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस ऑफ OPC इज ओनली 1 डायरेक्टर, तो उसे 1 डायरेक्टर के साइन से हमारा काम चल जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सीधा सीधा सा प्रोविजन है, ध्यान रखेंगे इधर आकर के हमारा प्रोविजन जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, बराबर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे आ दे। मैरी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, टर्नओवर है उनका 1200 करोड़ का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। सीएसआर कमिटी ऑफ द बोर्ड ने एक फॉर्मुलेट और रिकमेंड किया है सीएसआर प्रोजेक्ट, जो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया।
और उन्होंने यहाँ पे 5%, देखो अपने को पता है एटलीस्ट 2% खर्च करना होता है, लेकिन इन्होंने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 5% खर्च किया। क्या ये एक्सपेंसेस सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट माना जा सकता है? बच्चे लोगों अपने वही पॉइंट है, क्या एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया वो कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है क्या? जी हाँ, आज की डेट पे हो सकता है और ये कैरिड फॉरवर्ड 3 ईयर्स तक के लिए हो सकता है। तो एग्जैक्टली अपने को प्रोविजन लिख देना है कि 2% खर्च करना है पहले तो ये। If the company spend in excess of the requirement, such company may set off excess amount against the requirement to spend. वो 3 साल तक आप कर सकते हैं, बाद में वो फंड में जाकर के पैसा जमा होगा, शेड्यूल 7 के आप लोग जानते हो। तो 2% से जितना ज्यादा खर्च किया उतना बिल्कुल नेक्स्ट 3 साल का CSR एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते थे। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, नवंबर 18 का RDP। The directors of Element want to voluntary revise the, बच्चे लोगों voluntary revise करना section 131, जब board of director को लगता है कि यार 129 के हिसाब से हमने financial statement नहीं बनाए होंगे या 134 के हिसाब से हमने board report नहीं बनाई होगी, तो वो revise करने के लिए demand कर सकते हैं, ठीक है? They have approached you to state them provision, तो पूरा 131 आप लोगों को purely समझा देना चाहिए कि भाई terminal के पास में जाएंगे और पिछले 3 सालों के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ये डिमांड कर सकते हैं, है ना? तो पूरा प्रोविजन हमने कल रिवीजन क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा प्रोविजन आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए। ये फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटीज को नोटिफिकेशन आएगा, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो रिवाइज करने का ऑर्डर कर देंगे। और एक फाइनेंशियल ईयर में आप डिमांड जब करेंगे तो एक से ज्यादा के लिए नहीं करेंगे, तब एक साल एक ही बार रिवाइज होगा, तो वो सारे पॉइंट अपने को लिख देने हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्पेसिफिक इससे रिलेटेड ऑर्डर दे सकती है, वो सारा पॉइंट भी आने वाला है, तो प्रॉपर तरीके से आंसर को लिखना है, ठीक है? तो 131 पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, रेरा लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ का है। इनका टर्नओवर है भाई 100 करोड़ का, ठीक है? नेट प्रॉफिट है 3 करोड़ का, लॉसेस इनके 50 करोड़ के हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम 300 करोड़ का है एज पर ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ कंपनी। अब CFO इन्फॉर्म करता है कि कंपनी CSR में आ रही है, इसलिए CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। तो आपसे पूछा कि बताओ CSR लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो देखो CSR बनने के लिए, लगाने के लिए बच्चों सबसे पहले तो ये 3 रिक्वायरमेंट आपको आंसर में लिखनी है, ठीक है? नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर का, नेटवर्थ क्वेश्चन में दे नहीं रखा है मतलब निकालना पड़ेगा। टर्नओवर 1000 करोड़ जबकि टर्नओवर 100 करोड़ का ही है, तो ये तो कहानी खत्म हो गई। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर का बोला है जबकि 3 करोड़ का है, तो ये 2 पॉइंट तो यहाँ पे लग नहीं रहे, नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी। अब नेटवर्थ का डेफिनेशन बकायदा हमारी बुक्स में होता है, जहां हम पेड अप कैपिटल लेते हैं प्लस रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम एड होंगे, प्रॉफिट एड होगा, एक्युमुलेटेड लॉसेस लेस होंगे। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो आप देखें टर्नओवर तो 100 करोड़ का हो गया जो हमारी रिक्वायरमेंट से कम है, नेट प्रॉफिट भी 3 करोड़ का है जो 5 करोड़ से कम है, लेकिन नेटवर्थ कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैपिटल तो नहीं दिया। लेकिन उसके अलावा अगर अपन बात करें हैं तो हमको लेना है एक तो नेट प्रॉफिट जो हमने 3 करोड़ का ले लिया, ये देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम 300 करोड़ का है वो भी हमने ले लिया, माइनस कर दिया हमने एक्युमुलेटेड लॉसेस 50 का, तो हमारा जो नेटवर्थ निकल के आया वो आया 253 करोड़ का, जबकि नेटवर्थ भी होना चाहिए एटलीस्ट 500 करोड़ का। तीनों ही रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो रही है, सो यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है CSR कमेटी बनाने का या CSR पे पैसा खर्च करने का, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर? तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं होनी चाहिए, बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या बोला है, स्टेट एनी 4 contents ऑफ अ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट As required under section 134. बच्चे लोगों डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो 134 के अंदर अपन ने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड आपको वैसे इन्होंने 4 पॉइंट पूछे हैं, टोटल 6 पॉइंट आपको दे रखे हैं, कोई भी 4 आप लिखे सीक्वेंस वाइज लिखे, जिसमें जो एनुअल अकाउंट्स वगैरह बनाए उसमें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, कंसिस्टेंटली फॉलो किया है। अपना सेकंड पॉइंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, ठीक है? फिर मेंटेनेंस और एडिक्वेट सेफगार्ड हमने मेंटेन किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखने के लिए, बराबर एसेट्स वगैरह की सेफगार्डिंग दी है। फिर एनुअल अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर बनाए गए हैं, ये भी अपने को लिखना पड़ता है, और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हमारा लिस्टेड कंपनी के केस में फर्स्ट क्लास ऑपरेट हो रहा है ये भी देना पड़ता है, और लास्ट के अंदर हमने सारे लॉस प्रॉपर तरीके से कंप्लाई किए हैं वो अपने को देना पड़ता है, ठीक है? प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल लॉस हमने किए, तो कोई भी 4 पॉइंट लिखना है तो इजिली आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नवंबर 18 का एक क्वेश्चन है,
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 11 करोड़ की है, टर्नओवर 145 करोड़ का है और ये XBRL के रूल्स बनाना चाह रहे हैं बच्चे लोगों। XBRL के लिए क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाना चाहिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एग्जम्प्टेड है तो कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन पहले पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि भी लिस्टेड कंपनी पे लगता है, पेड अप कैपिटल जिनका 5 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, क्योंकि यहां पे पेड अप कैपिटल भी ज्यादा है, टर्नओवर भी 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो 145 करोड़ है तो उस हिसाब से तो लगना चाहिए है ना। लेकिन चूंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो एग्जम्प्टेड है इसलिए उनको XBRL की जरूरत नहीं रहेगी, ये अपने को आंसर में देना चाहिए। नेक्स्ट पे आता हूं, व्हाट डज द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन आपसे पूछ लिया गया और ये भी पूछा कि किन कंपनीज को कैश फ्लो नहीं बनाना होता है, ओपीसी स्मॉल कंपनी आपने पढ़ा हुआ है ना। तो देखो सबसे पहले तो सेक्शन 2 क्लॉज 40 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट आ गया, पीएनएल एनपीओ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अगर एप्लीकेबल है तो, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, बहुत सिंपल है। और यहाँ हमने क्लियर बोल दिया कि 1% कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जरूरत नहीं है, वो हम आंसर में दे देंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नवंबर 19 में एग्जाम में पूछा गया, रवि लिमिटेड मेंटेन कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंगल एंट्री सिस्टम, गलत है, 128(1) में लिखा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम तो परमिटेड नहीं है। सेकेंड पार्ट, हाँ, स्टेट द पर्सन रेस्पॉन्सिबल, इसी सेक्शन में हमको पर्सन की लिस्ट दे रखी है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे लोगों ये एक लाइन में आंसर खत्म मत करना, पूरा 128(1) समझाना जहां क्या क्या लिखा हुआ है कि भी एवरी फाइनेंशियल ईयर आप बनाओगे ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, एक्रूअल बेसिस के ऊपर होगा और डबल एंट्री सिस्टम होगा, पूरा लाइन लिखो ना भैया, क्या नंबर चाहिए अपने को, तो ऐसा कट शॉर्ट मत करो, ये एक लाइन में लिख दिया कि नो दे हैव टू मेंटेन फ्रॉम डबल एंट्री सिस्टम तो तुम सोच रहे हो आंसर सही हो गया, पूरा लिख दो ना सेक्शन, दिक्कत क्या है। अब रेस्पॉन्सिबल लोग कौन है, पूरी लिस्ट आपके पास में है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO और कोई भी पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथोराइज करके रखा है, तो ये अपने को पूरा प्रोविजन जो है वो लिख देना चाहिए, बढ़िया पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। RTP में 20 का क्वेश्चन देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंसिस्ट, एक तो मिस्टर घनश्याम है, ये वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, वो ऑथेंटिकेशन टाइप का डायरेक्टर है, हेड डायरेक्टर है, इंद्र सेन MD है, कंपनी के पास में फुल टाइम सेक्रेटरी भी है और साइन कौन कर रहा है पीएनएल बैलेंस शीट पे, फिर से 134 का क्वेश्चन आ गया बच्चों, घनश्याम और हैदर ने साइन किए, देखो सेम क्वेश्चन है बस नाम चेंज कर देते, घनश्याम हैदर के साइन नहीं चलेंगे भाई, दो में से एक के साइन और एक एमडी का और एक हमारा जो सीएस है उसके साइन का होना बहुत जरूरी था, नहीं तो वैलिड नहीं है, अगेन 134(1) देख लो नहीं चलेगा भाई, इंद्र सेन का एक साइन होना जरूरी था और चूंकि कंपनी सेक्रेटरी है तो उसका साइन भी होना चाहिए था यहाँ पे, ये अपने को आंसर में लिख देना है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, 11th वाला, बहुत शॉर्ट टाइम में बच्चे लोगों धड़ाधड़ हम लोग सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस मेरे साथ में देखते रहिए, आंसर डिस्कस करते रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा बहुत मजबूत। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग 51% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सन लिमिटेड का 51% पार्ट गवर्नमेंट के पास में है तो ये तो गवर्नमेंट कंपनी होगी, ठीक है। The audited financial statement of Sun Limited for financial year 17-18, May 19 का question है, देखिएगा, exam में आया हुआ question है, were placed in its AGM on 31st August, ठीक है भाई, 17-18 की AGM बुलाई 31 August को, उसमें present किए गए, however pending the comments of CAG, आप लोगों ने audit वाला chapter पढ़ा है तो आप जानते हो CAG इसके ऊपर comment करता है, लेकिन वो जो comment है वो pending रह गए और इस वजह से meeting बगैर adoption के हो गई है adjourned। अब section 137 कहता है, उसी का क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है, ये आगे पढ़ भी लेंगे, कि रजिस्ट्रार को आपको अनअडॉप्टेड बुक्स भी देने हैं, अगर मीटिंग में अनअडॉप्ट हुए तो कोई बात नहीं, वहां से 30 दिन में प्रोविजनल भेज दो, फिर अर्जोन मीटिंग में जब अडॉप्ट हो जाए तो वहां से 30 दिन में भेज देना। ऑन रिसिप्ट ऑफ CAG कमेंट, जब CAG के कमेंट मिल गए, एनुअल अर्जोन जनरल मीटिंग बुलाई, वो बुलाई 15 अक्टूबर को जहां अकाउंट्स अडॉप्ट हो गए। अब सन लिमिटेड ने क्या किया कि 17-18 से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो ROC को सबमिट किए 12 नवंबर को, एग्जामिन करना है कि वैलिड है कि नहीं बच्चे लोगों 15 अक्टूबर को। देखो दो काम करने थे, एक तो जब 31 अगस्त हुआ यहां से 30 दिन में आपको प्रोविजनल भेजने चाहिए थे जो कंपनी ने नहीं भेजे, ये कंपनी ने कर दिया यहां पे डिफॉल्ट। दूसरे नंबर पे एडजोन जनरल मीटिंग 15 अक्टूबर को हुई है जहां पे अप्रूव हो गए, तो वहां से भी 30 दिन में आपको ROC को भेजने वो आपने भेजे हैं, 15 अक्टूबर से 30 दिन लगभग 14 नवंबर के आसपास होता है, 12 नवंबर को ही भेज दिए गए, तो दूसरे में तो इन्होंने कंप्लाई किया लेकिन पहला वाला प्रोविजनल वाला जो भेजना था वो कंप्लाई नहीं हो पाया, इसका मतलब ये वैलिड होने वाला नहीं है, एक गलती रहेगी। तो कैसे देंगे 137(1) बच्चों पूरा समझाओ, पूरा मतलब जो ये प्रोविजन इससे रिलेटेड है,
ठीक है, ये देखिए, वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट अडॉप्टेड या एंड्रॉय जनरल मीटिंग में होते हैं तो पहले आपको 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम एक प्रोविजनल बेसिस के ऊपर भेज देने चाहिए और आफ्टर अडॉप्शन फिर से भेज दो। तो एक जगह इन्होंने कंप्लाई कर दिया, दूसरी जगह इन्होंने नहीं किया है, नॉट कंप्लाइड विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अनअडॉप्टेड वाली नहीं की, लेकिन बाद वाली आपने कर दी है, तो एक गलती एक सही है कि अपने को समझा देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज को करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 में लग रहा है, मतलब क्वेश्चन कब का है, मई 19 का एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करना चाह रहे हैं, 130 रीओपन करना चाह रहे और रीओपन करवाना चाह रहे 89 की, भाई साहब कैसे पॉसिबल होगा भाई, 19-20 से 8 साल पहले तक की ही रीओपन हो सकती है, ये तो उससे भी पहले है, करीब करीब 10 साल पहले की है, तो परमिसेबल ही नहीं है। जब तक कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्वेस्टिगेशन की वजह से ज्यादा ईयर के लिए नहीं रखे हो तब तक पॉसिबल नहीं है। तो एनसीएलटी को इन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दिया है कि भी हम रीओपन करना चाह रहे हैं, तो आपसे पूछा वैलिड है कि नहीं है, पूरा 130 वाला सेक्शन हमने पूरा सेक्शन समझाओ बच्चों यहाँ पे कि भी ये इनकम टैक्स ऑथोरिटी सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट अदर स्टेचुटरी बॉडी क्यों करेगी अगर इनको लगता है कि भी फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए हैं या रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट है, लेकिन 8 ईयर से ज्यादा के पहले के लिए ओपन नहीं हो सकती। इन्होंने कब डिमांड किया है, 19-20 में डिमांड किया है और ओपन करना है 89 का जो 8 साल से पहले का है, सो ये इनवैलिड रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, सीधा सीधा सा आंसर जाने वाला है। 13 में आइए, रवि लिमिटेड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया सिंगल एंट्री सिस्टम वाला, सेकंड पार्ट वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये दो क्वेश्चन तो अभी भी अपने किए, वेदर द कंपनी कैन कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड एसेसिबल आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये पॉसिबल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक में आप मेंटेन करिए, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, कर सकते ऑप्शनल है, लेकिन इंडिया में एसेसिबल होने चाहिए। कल की रिवीजन क्लास में हमने इसके ऊपर भी बात की है कि एसेस जो है वो तो इंडिया में होगा, तो आउट ऑफ इंडिया ये पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी कि एसेस हम बाहर करने दें। ये देखिए, तो सर इसमें कितना लिखना है, बच्चे लोगों देखो आईसीए ने कितना बोला है, रिलेवेंट वाले में भी इन्होंने जितने प्रोविजन थे सारे बोले हैं, और मेन चीज हमारा आ गया एसेसिबल विद इंडिया, और यहाँ पे वो नया प्रोविजन कल ऐड कराया था एट ऑल टाइम्स, वो इसमें ऐड हो जाएगा, पूरा प्रोविजन समझा दीजिए प्रॉपर तरीके से, तो ये रहा आउटसाइड ऑफ इंडिया में पॉसिबल नहीं होगा, अपने को आंसर में लिखना चाहिए। 14 के ऊपर आते हैं, द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख का है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, वोटिंग राइट्स वाले हैं, पेड अप शेयर कैपिटल में इसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ, टर्नओवर इनका 2 करोड़ का अपने को दे रखा है 2 CR का, ठीक है। इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट, एक और कंपनी के बारे में दिया, नाइस सॉफ्टवेयर जो एक पब्लिक कंपनी है, समझना, उसके पास में स्मार्ट सॉल्यूशन के 2 लाख शेयर हैं, ओके, मतलब स्मार्ट सॉल्यूशन के 5 लाख में से 2 लाख शेयर जो हैं वो हैं किसके पास में, हाँ नाइस के पास में है, 2 लाख ही है, मतलब 50% से तो कम है, मतलब होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन तो नहीं बन रहा है बच्चों, समझना, नहीं तो पब्लिक कंपनी सॉफ्टवेयर होती तो स्मार्ट सॉल्यूशन उसकी सब्सिडरी कंपनी भी कैसी होती, पब्लिक कंपनी होती, लेकिन ये सब्सिडरी का रिलेशन इनके बीच में नहीं बन रहा है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सर एसोसिएट वगैरह का बन रहा है वो देख लेंगे क्वेश्चन में जरूरत होगी तो, लेकिन होल्डिंग सब्सिडी तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट सॉल्यूशन मेन कंपनी है, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और साइड ईयर विद रजिस्ट्रार को भेजती है, लेकिन उसमें उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भेजा है, ओके, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपीसी को नहीं भेजना है, स्मॉल कंपनी को नहीं भेजना है, डोरमेंट को नहीं भेजना है और स्टार्टअप प्राइवेट को नहीं भेजना है, स्टार्टअप के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्या ये स्मॉल कंपनी हो सकती है क्या? स्मॉल कंपनी बनने के लिए बच्चों नया कंसेप्ट कहता है आज के हिसाब से, हालांकि जुलाई 21 का क्वेश्चन है, जहां 2 करोड़ और अपन 20 करोड़ के हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं आज के हिसाब से करेंगे, ये देखो मैंने आंसर दे रखा है, अब ये अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये 4 करोड़ हो जाएगा और ये यहाँ पे 40 करोड़ हो जाएगा, तो इनका पेड अप कैपिटल तो सिर्फ कितना है बच्चे लोगों, 50 लाख का, ये कमी है, टर्नओवर भी 40 करोड़ से बहुत कम है, तो ये कंपनी तो स्मॉल कंपनी हो गई, और चूंकि ये किसी की सब्सिडरी भी नहीं है, अभी भी अपन ने पढ़ लिया, तो स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है, तो वहां कैश फ्लो की जरूरत ही नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, Whether Smart Solution deemed to be a small company, हाँ जी, whose significant equity share भले ही public company ने ले रखे हो, लेकिन हमने small company की definition में पढ़ा हुआ है, which is not holding or subsidiary, वो नहीं होनी चाहिए, small associate के लिए कुछ नहीं बोला है,
प्लस स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 8 में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये हमको क्लियर कट पता है। तो ना हमारी स्मार्ट सॉल्यूशन किसी की होल्डिंग है, ना किसी की सब्सिडरी है, और स्मॉल कंपनी भी है क्योंकि कैपिटल और टर्नओवर कम है, तो बिल्कुल ये बेनिफिट ले सकती है और इनको कैश फ्लो की जरूरत नहीं है। सेकेंड पूछा कि भाई वेदर स्मार्ट सॉल्यूशन इज डिफॉल्टेड इन फाइनल इंफॉर्मेशन, नो नो भाई, नो डिफॉल्ट है ही नहीं। ये देखो सर 287 क्यों आया है यहाँ पे, होल्डिंग सब्सिडरी हमने बता दिया, एटलीस्ट 50% पे कंट्रोल हमारा होना चाहिए। इस क्वेश्चन में इनका कंट्रोल 50% से कम ही है भाई, 5 लाख का 50%, 2 लाख 50 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इनके पास में तो सिर्फ 2 लाख की इक्विटी शेयर है। सो यहाँ नॉट डीम टू बी ए पब्लिक, ना तो सब्सिडरी होगी, सब्सिडरी नहीं है तो डीम पब्लिक कंपनी भी नहीं होगी, कहानी खत्म है। और बाकी लिमिट्स बचो या चेंज कर देना, टर्नओवर 4 करोड़ से कम है, यहाँ 40 करोड़ से कम है इनका, और इस वजह से सीधा सीधा सा है कि ये स्टेटस ले सकती है, बहुत आराम से ले सकती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये देखो पूरा 240 भी समझाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और इन कंपनीज को कैश फ्लो की जरूरत नहीं है, तो ये एक स्मॉल कंपनी है, तो इन्होंने कोई डिफॉल्ट किसी तरह का नहीं किया है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, नो डिफॉल्ट भाई, किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं है। क्लियर, बराबर बात समझ में आई आप लोगों को, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 15 पे चलते, क्वेश्चन में अपने को नेटवर्क टर्नओवर नेट प्रॉफिट दे रखा है, 31/3/2020 का भी दे रखा है, और ड्यूरिंग द ईयर भी इन्होंने प्रोविजनल बेसिस पे ये दे रखा है। अब सीएसआर कैलकुलेट करने को बोला है, सीएसआर कमेटी बनानी है कि नहीं बनानी है पूछा है, और ये कमेटी कब पूछा जा रहा है हमसे, 2021 में। तो देखिए जब 2021 के लिए पूछा जा रहा है तो हमको 1920 के ही बुक्स देखने हैं, यानी ये वाले जो यहाँ दे रखे हैं 31/3/20 को खत्म हुए, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इससे हमारा लेना देना है ही नहीं भाई। देखो ना भाई, 2021 के लिए पूछ रहे हैं तो हमको तो प्रीवियस ईयर का देखना है, ये तो करंट ईयर का दे रखा है, मतलब ही नहीं है। तो रिक्वायरमेंट आप लोग जानते हो भाई, पूरी रिक्वायरमेंट लिखनी है आप लोगों को, ये देखिए हमने लिख दिया नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, जी नहीं उससे कम है, ठीक है, टर्नओवर 1000 करोड़ उससे भी कम है, नेट प्रॉफिट बोला है 5 करोड़ या उससे कम होना, 5 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 1 करोड़ ही है, ठीक है। अब गलती क्या, अगर ये वाला तुमने ले लिया तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर से, हाँ जब अपन आगे बात करेंगे 2021-22 की, तो हम ये 2021 वाला देख लेंगे, 19-20 वाला देख लेंगे, मतलब ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए आगे वाले साल के लिए। अगर 2021 की जगह 21-22 पूछा होता तो हम ये वाला साल देखेंगे, लेकिन अपने को प्रीवियस ईयर देखना है, और तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, अरे नहीं हो रही है। तो इन द गिवन क्वेश्चन डज नॉट फुलफिल एनी क्राइटेरिया, तीनों में से कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, सो इनको सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत 2021 के लिए नहीं है, ये सीधा सीधा आंसर में आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, जुलाई 21 में एग्जाम में पूछा गया है। चलिए उस वक्त एग्जाम लेट हो रहे थे ना, ध्यान रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन दे रखा है यहीं पे, केएसआर लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी फर्निश द फॉलोइंग डेटा, ठीक है भैया, अनलिस्टेड कंपनी है, 45 करोड़ का इनका कैपिटल है, टर्नओवर 175 करोड़ के, आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक 105 करोड़ के हैं, और इसमें से बैंक लोन था जो चुका दिया गया है, ये 110 करोड़ लोन फ्रॉम बैंक वगैरह था बीच में, फाइनली तीन को एक बैंक से लोन था, आउटस्टैंडिंग लोन जो चुका दिया गया, और फाइनल बैलेंस बचे लोगों 90 करोड़ का है, तब बैंक का लोन वगैरह चुकाने के बाद में फाइनल बैलेंस जो है वो 90 करोड़ का इनके पास में बचा हुआ है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। Whether as per provision of Companies Act, companies required, ये मेरे ख्याल से गलत लिख दिया गया, 105 करोड़ अपने को तो लेके चलना है, 90 करोड़ फाइनल बैलेंस 90 करोड़ का 31/3/2021 को, साल में बीच में एक बार कहीं पे 105 करोड़ का लिया रहेगा तो चुका दिया हमने, कम करके 90 करोड़ पे आ गया है, ठीक है, समझ में आया। फिर आता है कि क्या इंटरनल ऑडिटेड चाहिए, क्या सेक्शन नंबर बच्चों 138 लगाना पड़ेगा इंटरनल के लिए, और चूंकि अनलिस्टेड कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती तब तो बनाना है सबको ही, इसके लिए रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। आपको याद हो तो कल की क्लास में मैंने 25, 50, 100, 200 करवा दिया था, हालांकि सीक्वेंस में तो ये है लेकिन अपने किया था। तो पहली रिक्वायरमेंट है पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा, सर ये पूरी नहीं हो रही, एक रिक्वायरमेंट खत्म। सेकेंड नंबर टर्नओवर 200 करोड़ का दे रखा है, 175 का है, ये रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गई। आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक और PFI होना चाहिए 100 करोड़ से ज्यादा, आप कोई डायरेक्टली देखेगा तो उसको लगेगा सर 90 करोड़ ही तो थे, तो ये भी रिक्वायरमेंट खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी लाइन पढ़िएगा। यहां लिखा है एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, 31 तारीख को देखने का नहीं बोला है,
ऊपर दो में तो 31 को देखना था, पिछले साल में कभी भी अगर ये 100 करोड़ से ऊपर निकला है कभी भी, तो हमारा ये इंटरनल ऑडिटर का पॉइंट लग जाएगा। और बिल्कुल पिछले साल में इस डेट पे 105 करोड़ था, 100 से ऊपर निकला हुआ था, मतलब ये कंडीशन पूरी हो रही है। कोई भी एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ये हो रही है, तो इंटरनल ऑडिटर तो चाहिएगा। तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है, डिपॉजिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बात खत्म हुई। ये देखिए, इन द गिवन क्वेश्चन केएसआर लिमिटेड इज आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक एक्सीडिंग 100 करोड़ 105 करोड़ ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कभी भी हुआ हो, सो इनको इंटरनल ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हम 31 तारीख नहीं देखते, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये अमाउंट ऊपर निकला हो, इसके लिए और डिपॉजिट दोनों के लिए सेम पॉइंट है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, तो अपने को इंटरनल ऑडिटर चाहिएगा ही चाहिएगा। बढ़िया, बात समझ में आया। चलिए आरडीपी दिसंबर 21 का एक क्वेश्चन देखते हैं। किम प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है 30 सितंबर 16 को, पेड अप शेयर कैपिटल 45 करोड़ की है, कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ का है, अकाउंट्स मैनेजर ऑफ द कंपनी इज इंटीमेटेड दैट इंटरनल ऑडिटर इनको नहीं चाहिए। ऐसे सेम क्वेश्चन पूछ लिया इस बार, प्राइवेट कंपनी में दो ही होता है बच्चों, 100 और 200 करोड़ वाला। 100 करोड़ का तो होना चाहिए आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह, और 200 करोड़ का टर्नओवर। अब इनका टर्नओवर सीधे ही सामने दिख रहा है, 250 करोड़ का है ना, तो टर्नओवर अगर इनका 250 करोड़ का है तो इंटरनल ऑडिटर चाहिएगा ही चाहिएगा अपने को, ठीक है। दूसरा वो इन्फॉर्मेशन दे के नहीं रखा है तो चाहिएगा, अभी डायरेक्ट पता लग रहा है मोर देन 200 करोड़ है, तो दे आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, दिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसकी दो सब्सिडियरी हैं चाहे और विजय। ऑल द थ्री कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, बढ़िया भी बनाओ अलग अलग बनाओ, दिया को तो सीएफएस भी बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट भी लगाना पड़ेगा। एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इन इन व्हाट मैटर द सब्सिडियरी जय एंड विजय शैल प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो भाई जैसे नॉर्मल कंपनियां दिया बनाती है, वैसे जय और विजय भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करके बनाएंगे। हाँ, इसको सीएफएस अलग से बनाना पड़ेगा। देखो लिखा है 129(3), क्योंकि शामिल करेंगे, और उसके अलावा ऑफ द कंपनी एंड ऑल द सब्सिडरी एंड एसोसिएट इन द सेम फॉर्म मैनर दैट इज ओन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच शैल ऑल्सो बी लेड बिफोर द एजीएम। यानी होल्डिंग कंपनी अपने बुक्स बनाएगी, सीएफएस भी बनाएगी, सब्सिडरी भी उसी तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, और उसको एजीएम में प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके अलावा एक वो सेपरेट स्टेटमेंट अपने को लगाना है, जिसमें वो इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर्स अपने को लगाने थे, वो वाला प्रोविजन भी आएगा। फिर वो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीएफएस कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड रूल्स बना सकती है, वो रूल्स देने नहीं है, खाली नाम लिखना है, इस तरीके से इनको बनाना पड़ेगा, ये अपने को डायरेक्टली आंसर में लिख देना चाहिए। बराबर, क्लियर मैटर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इस बार इन्होंने डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के कोई तीन मैटर पूछ लिए। तीन नंबर का क्वेश्चन बनाया हुआ था, तीन मैटर, चार का बनाया है, तो कोई भी चार पॉइंट अपने को लिखना है, तो अपनी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही हो गया था। ये क्वेश्चन आता है बच्चों मई 22 का, लेटेस्ट 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 क्वेश्चन, काफी लेटेस्ट। स्किप लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2019, बैलेंस आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आफ्टर टैक्स भी। इधर काफी लोग फंस गए थे कि यार करना क्या है, वही पूछा है सीएसआर हमारे ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये इन्होंने पूछा है, और मिनिमम अमाउंट आपको चेक करना है कितना, अगर लग भी रहा है तो कितना पे करना है, दो चीजें पूछी है। तो अब सीएसआर के लिए नेटवर्थ की इंफॉर्मेशन है नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ऊपर का हो तो लग जाएगा। तो अब कौन सा देखा जाए, अभी बिफोर टैक्स देखा जाए कि आफ्टर टैक्स देखा जाए। अच्छा, कौन सी ईयर का बोला है बच्चों, 21-22 का बोला है, तो 20-21 का यानी प्रीवियस ईयर का अपने को देखना है। ये बात तो समझ में आ गई कि इन दो में से, अब दो में से कोई भी आप ले लो 5 करोड़ से तो ऊपर ही है, समझ रहे हो मेरी बात को, 5 करोड़ से तो ऊपर ही है, चाहे आफ्टर लो चाहे बिफोर लो, तो आंसर तो अपना है कि हाँ भी बनानी है। प्रॉब्लम कब होगी, कल को मान लो ये वाला अमाउंट आप ले रहे हो और ये इन्होंने 5 करोड़ से कम कर दिया होता तो फंस जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा हमेशा इस कैलकुलेशन में, एफएक्यू कहता है आईसीए का कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लिया जाएगा, और वो 7 करोड़ का है तो हमारे ऊपर सीएसआर लगेगा, और कितना देना है पिछले 3 साल का एवरेज, तो तीसरा साल है ही नहीं, तो 2 साल का एवरेज करिए बराबर, और उस पर 2% अपने को दे देना है, कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको। देखिए तो यहां पर क्लियर हो गया, पहले पूरा प्रोविजन समझा दिया,
ठीक है, और नेट प्रॉफिट 198 के हिसाब से लेते जो बिफोर टैक्स 2% अपने को देना है एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर। और अगर कंपनी ने 3 साल खत्म नहीं किए हैं तो जितने साल कंपनी को बने हुए हैं उतने का अपने को लेना चाहिए इनकॉर्पोरेशन से अभी तक का। क्लियर, पता है इनकॉर्पोरेशन ही कंपनी का भी हुआ है, बोला ना 1/4/2019 को तो इनकॉर्पोरेट हुई है, तो अभी तो 3 साल हुए ही नहीं है इनको, तो जितने साल हुए उतने का एवरेज लेना है। तो यहाँ पे आप देखें क्या बोला है इंस्टेंट केस में, नेट प्रॉफिट ये देखिए 7 करोड़ के बेस पे क्वेश्चन हमने किया है, जो 5 करोड़ से ज्यादा है तो सीएसआर कमिटी बनानी है, और बनानी है तो अब तक कंपनी को हुए ही 2 साल हैं, तो 2 साल का एवरेज निकाल लीजिए। भाई 3 साल से ज्यादा हो चुके हो तो 3 ईयर का एवरेज, और नहीं तो जितना इनकॉर्पोरेशन अब तक का समय हुआ है उतना, तो 2% ऑफ 6 करोड़ यानी इतना पैसा अपने को मिनिमम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखने वाले हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मई 22 में आ चुका है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे लोगों, बिल्कुल दी एंड पे चल रहे हैं अपन, यहां आकर के हमारा क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन बस खत्म होने वाला है। बढ़िया क्वेश्चन, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था उसके ऊपर पूछ लिया गया, देखिएगा। एक्स वाई जेड लिमिटेड रिसीव अ कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, पीरियोडिकल बेसिस पे बनाने का 129A में जो बोला है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑब्जेक्शन करते हैं कि भी हमारी कंपनी तो अनलिस्टेड कंपनी है, सो पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमको जरूरत ही नहीं है। अब आपसे पूछा तो सेक्शन देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर कर सकती है सच क्लास और क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज के लिए ही है ये प्रोविजन, जो भी आगे प्रेस्क्राइब किया जाएगा, हो सकता है आगे प्रेस्क्राइब कुछ हो जाए, एट प्रेजेंट तो नहीं है, उनको पीरियोडिकल बेसिस के ऊपर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, बनाने के बाद उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल करवाना है, ऑडिट या फिर कम से कम रिव्यू करवा दीजिए, ये भी अपन ने पढ़ा था, और इसकी कॉपी जब भी वो पीरियोडिकल वाला टाइम मैंने कहा था 6-6 महीने से मान लो बनाना है, तो जब वो 6 महीने खत्म होंगे वहां से 30 डेज में आपको आरओसी को फीस के साथ भेजना पड़ेगा। सो बीओडी का जो ऑब्जेक्शन है वो सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, क्लियरली 129A में बोला कि ये है ही अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, उनको बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहां आकर के आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने खत्म कर ली, ठीक है। सर इसमें नवंबर 22 के तो आए नहीं है, बच्चों नवंबर 22 का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड कर रखा है, उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप नवंबर 22 का पूरा पेपर वहां जा करके, और इवन जो आरटीपीज है नवंबर की और पुरानी, वो सब भी मैंने सॉल्व यहाँ पे कर रखी हैं, वो भी आप जा करके देखेंगे तो आपकी तैयारी और बहुत मजबूत हो जाएगी। चलिए जी, तो ये सारी बात यहाँ पे खत्म करते हैं, जल्दी आप लोगों से आगे नए रिवीजन लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।